हेलो दोस्तों, नमस्कार। बैट शिव कुमार, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये देखिएगा, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से एक पॉइंट के बारे में बात करूंगा। एक वीडियो लेकर आया हूं आपके सामने। वीडियो क्या है कि आजकल की डेट में सबसे ज़्यादा पशुओं में ये समस्या बहुत आती है कि AI कराते हैं तो पशु रुक नहीं पाता है और रिपीट ब्रीडिंग होती है, बार बार किसी प्रकार की बेचैनी में समस्या आ जाती है। तो ये बहुत ही समस्या होती है। फिर प्लस और सबसे बड़ी समस्या ये भी होती है कि पशु फुल वैली दिखाने लगता है, जोन दिखाने लगता है कोई पशु हो फुल वैली दिखाने लगता है। प्लस उसके साथ साथ अगर पशु ज्ञापन होता है तो एबोर्शन होने का बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है कभी कभी गर्मी में किसी कारणवश। तो उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है ये जस्टा प्रोजन नाम के नाम से एक पाउडर आता है मार्केट में। जस्टा प्रोजन नाम से एक पाउडर आता है मार्केट में, तो ये एनिमैक्स फार्मा का होता है। एनिमैक्स फार्मा का होता है ये एनिमैक्स फार्मा का होता है ये जस्टा प्रोजन। तो ये किन किन कामों में आता है? सबसे पहले अगर हम किसी पशु की जोन उतर रही है तो हम उसमें भी दे सकते हैं इसको। पशु रिपीट ब्रीडिंग में आता है बार बार तो उसमें भी दे सकते हैं। अगर पशु ज़्यादा हीट पर आने के बाद में और बहुत ही ज़्यादा पानी डालता है तो उसको वो रुक भी ना पाता बाद में, तो उसमें भी दे सकते हैं। प्लस कोई भी पशु हुआ तो ग्यावन हो तो उसमें एबोर्शन होने का किसी कारणवश गर्मी में या वैसे किसी कोई गर्म चीज़ दे देते हैं तो उसके वजह से बहुत ही ज़्यादा एबोर्शन होने का डर होता है, तो हम उसमें भी दे सकते हैं। और प्रोलैप्स में हम कैसे देंगे? प्रोलैप्स में कि किसी भी पशु की अगर जान उतर रही है तो हम नंबर एक पे 50 ग्राम पाउडर प्लस 50 ग्राम बेसन प्लस 50 ग्राम देसी घी, अगर देसी घी ना हो किसी कारणवश देसी घी नहीं मिला तो तेल ले सकते हैं हम, सरसों का तेल। तो हम 50 ग्राम देसी घी अगर देसी घी ना हो तो हम तेल भी ले सकते हैं, ठीक है। ये तीनों चीजों को मिक्स करके प्लस अब एक दो चीजें और डालनी है इसमें, एक स्पाइसिक की गोली, स्पाइसिक की बोलस मार्केट में मिलती है, स्पाइसिक बोलस, ठीक है। प्लस दो सिमलेज बोलस, इन सारी चीज़ों को मिक्स करके हम प्रोलैप्स के केस में एक दिन में ये सारी चीज़ें एक दिन में खिलानी है 50 ग्राम में। फिर दूसरे दिन को फिर 50 ग्राम पाउडर में ये चीज़ें मिला के खिलानी है। फिर तीसरे दिन फिर लेकिन इस बात का ध्यान रहे पहले दिन खिलानी है स्पाइसिक की गोली मिलाकर, बाकी तो ये मिलानी तीनों चीज़ें हैं, ये भी चारों चीज़ें प्लस स्पाइसिक की गोली पहले दिन खिलानी है और उसके दूसरे दिन और तीसरे दिन छोड़ के चौथे दिन हम ये फिर स्पाइसिक की गोली एक और मिलाएंगे। उसके बाद में दो दिन फिर छोड़ने हैं, फिर नवे दिन फिर स्पाइसिक की गोली खिलानी है इसमें मिलाकर। तो ये स्पाइसिक की गोली तीन होंगी, फिर बाकी ये सारा मिश्रण रेगुलर चलता रहेगा 10 दिन तक खिला दें। प्रोलैप्स की बहुत ही अच्छी, जो भी अगर दिक्कत होती है बहुत ही अच्छी तरीके से दूर हो जाती है, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी प्रोलैप्स की बारे में ये। प्लस अगर मान लो एबोर्शन हो रहा है तो ये दूसरे नंबर पर एबोर्शन हो रहा है तो 50 ग्राम
पचास ग्राम पाउडर, 50 ग्राम बेसन और 50 ग्राम पाउडर, 50 ग्राम ये बेसन और 50 ग्राम ये बूरा, बूरा ना मिले तो कच्ची खांड मिला सकते हैं हम। तो ये तीनों चीज़ों को मिक्स करके 50-50 ग्राम सुबह शाम, किसी पशु को अगर एबॉर्शन होने का डर रहता है किसी गर्मी कारणवश किसी वजह से, तो ये 50-50 ग्राम तीनों को मिक्स करके सुबह शाम हम पशु को खिला सकते हैं। एबॉर्शन होने की किसी प्रकार की समस्या का समाधान मिल जाएगा। ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है ये। प्लस अगर AI करवाते हैं तो AI से हम तुरंत बाद भी खिला सकते हैं 50-50 ग्राम, 10 दिन तक लगातार 20 दिन तक खिलाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर AI से पहले हम 10 दिन पहले से शुरू करते हैं तो भी हम इसको पाउडर को खिला सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई हैं। जो जस्टा फ्रोजन नाम के नाम से एक प्रोडक्ट आता है एनिमैक्स फार्मा का, ये बहुत ही अच्छा है। इसको खिलाएं और पशुओं को गाभिन किसी प्रकार से सही तरीके से ठहराएं।